पीएम मोदी ने कहा, यूपी में अगर सबसे बुरा हाल किसी का है तो बुंदेलखंड का है। यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो बुंदेलखंड की आवाज़ सुनी जाएगी। जाट आंदोलन से एक बार फिर सुलगेगी दिल्ली। 1 मार्च से असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके तहत बिजली पानी का बिल और बैंक के कर्ज नहीं भरे जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि उरी हमले के फौरन बाद पीएम की चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग में सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया गया था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में देर रात उस समय बड़ा हादसा टल गया जब कुंडला स्टेशन पर कालिंदी एक्सप्रेस की टक्कर मालगाड़ी से हो गई। इस घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे। अमेरिका चीन में तनातनी। एशियाई देशों के बीच अपनी धाक जमाने की फिराक में भारत। दक्षिण चीन सागर में पैट को लेकर अमेरिका चीन में है तनातनी। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी और शाह दोनों ही आतंकवादी हैं। आज से बचत खाते से हर हफ्ते निकाल सकेंगे 50,000, यानी 13 मार्च से आप अपने बचत खातों से मनमर्जी की रकम निकाल सकेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में पुष्टि की गई कि जिलियांग पद छोड़ रहे हैं और नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायक दल की बैठक में आम सहमति से नए नेता का चुनाव किया जाएगा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एक बाजार में रविवार को विस्फोट में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि 52 लोग घायल हैं। महिलाओं को लगा झटका, 2 लाख से अधिक की ज्वेलरी खरीदने पर लगेगा टैक्स। सलमान खान अब बीइंग ह्यूमन ई साइकिल लॉन्च करने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये सलमान का आइडिया है कि उन्होंने अपनी पूरी टीम को इसके लिए काम करवाया और अब साइकिल मार्केट में लॉन्च के लिए तैयार है। शाहरुख खान को अमेरिकी टीवी सीरीज डर्क जेंटलिस हॉलिस्टिक डिटेक्टिव एजेंसी के 2रे सीजन में दिखाई देंगे। शो के कार्यकारी निर्माता अरविंद एथन डेविड ने स्टार गेस्ट के रूप में शाहरुख को आमंत्रित किया है। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को बॉलीवुड में करण जौहर देने जा रहे हैं ब्रेक। सारा करण की अगली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का हिस्सा बन सकती हैं। करण के साथ हुई कंट्रोवर्सी को लेकर पूछा गया तो काजोल ने कहा, मुझे लगता है रिश्ते वाकई मुश्किल होते हैं। करण के साथ जो हुआ मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहती। कबीर खान अब अपनी अगली फिल्म में 74 वर्षीय मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाले हैं। बैक टू बैक हिट फिल्म देने वाले कबीर खान फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट बना रहे हैं। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत, शाहिद कपूर और सैफ अली खान की फिल्म रंगून पर एक मुसीबत आ गई है। रंगून के खिलाफ कॉपीराइट्स केस दर्ज कराया गया है। फरियादी वीडियो मूवीटोन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि फिल्म में कंगना का रोल कॉपी बताया गया है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स विकेट सबसे महंगे पुणे ने उनको 14.5 करोड़ में खरीदा। इंडियन प्रीमियर लीग के 10वें सीजन के लिए प्लेयर्स की नीलामी बेंगलुरु में शुरू हो चुकी है। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल से नीलामी शुरू हुई, लेकिन इरफान पठान को खरीदार नहीं मिला। पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस धुआंधार ऑलराउंडर ने अपने 21 साल के लंबे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर पर विराम लगा दिया। विराट कोहली ने प्यूमा कंपनी के साथ 100 करोड़ रुपए की 8 साल की डील पर किया साइन। किसी एक ब्रांड के साथ ऐसी डील करने वाले वो बने पहले इंडियन प्लेयर।